जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। ये वीडियो आपकी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है और ख़ास तौर पे जो बच्चे एमएड के हैं उनके लिए रहने वाली है। जिन लोगों ने एमजी केवीपी का फॉर्म फिल किया था, अब आपका एंट्रेंस भी हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है, मैच नहीं किया तो जाके कर लीजिए। वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है, बताया है कि कैसे आप जो है अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कहाँ से करना है। इसके साथ ही जल्दी ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई एमएड में सीटें कितनी हैं महात्मा गांधी में, फ़ीस कितना लगेगा और कहाँ कहाँ उसकी, और अगर मेन कैंपस में है तो एफिलेटेड में और कहाँ कहाँ हमें एमएड की सीटें मिल सकती हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये इनका एक जो है पीडीएफ है, जो रिवाइज्ड पीडीएफ है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताता है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से ले सकते हैं। इसमें इनके जो रिवाइज्ड आपका इस बार का सेशन है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी हुई है। तो इसमें हम अगर देखें तो पाठ्यक्रम है, अब इसमें पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये आपकी चीज़ें क्या हैं जल्दी में, ताकि आप इसको क्या करें समझ जाएं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आगे की चीज़ें आप इजीली जो है समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये वाली जो लाइन है कोर्सेज को दिखा रही है, ये आपके टेन्योर को, आपका कोर्स कितने साल का है, कितने सेमेस्टर का है, 4 का है, 6 का है, जितने का है, कोर्स कोड है। आपको अभी इससे मतलब नहीं है, इस लाइन से मतलब नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इसमें भी इन्होंने 2 कॉलम दिए हैं, एक आपका रेगुलर सीट है, एक आपका जो है पेड सीट है। मतलब आप मान सकते हैं कि पेड सीट वाले में आपको अधिक पैसा देकर पढ़ना होगा और एडेड वाले में जो है आपको कम पैसे देकर पढ़ना होगा। और इसी एडेड में कितनी फीस है ये आपको इस कॉलम में पता लगेगा, और पेमेंट इसमें कितनी सीट लगेगी आपकी वो आपको इसमें पता लगेगा, जो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, जो खुद से जो है करते हैं। अब आइए देखते हैं, तो देखिए बीपीएड एमपीएड वाले भी हैं अगर, तो वो भी देख सकते हैं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब आते हैं एमएड पर, क्योंकि हमारी वीडियो बेसिकली एमएड पर है, हम अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम सारे सब्जेक्ट यूजी पीजी को कवर कर लेंगे, लेकिन एमएड वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से देखें। आपको पता है 2 साल का एमएड होगा, 4 सेमेस्टर। आपका यहाँ सीट है सिर्फ और सिर्फ 20, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें हैं जो आपके कहाँ पर हैं, मेन कैंपस या फिर आप कह लीजिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। और यहाँ पर 30 स्टार लगाने वाले जो आपके स्टार जिन जिन उस पर लगा है, उसका सीधा सा मतलब है कि वो जो है स्व वित्त पोषित हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, ठीक है। तो एडेड में मतलब रेगुलर सीट अगर आपको चाहिए रेगुलर सीट, तो वो सिर्फ 20 है, उसके बाद आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी, जो कि आपके 30 ऐसे और 300 और कहाँ पे हैं आपके संबद्ध विश्व महाविद्यालयों में, मतलब जो आपके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर हैं। क्लियर हुई इतनी चीज़ कि 20 आपकी रेगुलर है और 30, और 30 के साथ साथ जो 30 है भी तो वो स्व वित्त पोषित में, मतलब आपको उसमें पेड सीट का पैसा पे करना पड़ेगा, और 300 संबद्ध विश्वविद्यालयों में है। अगर आप इस 20 बच्चों में आ जाते हैं जो ये 20 सीट्स है, तब आपकी फ़ीस होगी 3,190 रुपये। जी हाँ, कितनी फ़ीस होगी अगर आप इन 20 में आ जाते हैं? 3,190 रुपया। अब चूँकि आपका 4 सेमेस्टर है, तो 4 सेमेस्टर होने का मतलब 2 साल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा ये 0, 2 9 जा 18 को 8 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 आपका 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6,380 रुपये। तो ये जो 6,380 रुपया है, ये 2 साल आपके एमएड कोर्स का होगा अगर आप इन 20 बच्चों में आते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए इन 30 में आपने दिया कि नहीं हम एमजी के वीपी में ही पढ़ेंगे और आपको पेड सीट मिलती है, इसके अलावा अगर आप संबंधित विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में जाते हैं, तो आपको 70,600 रुपया, ये 2 साल का नहीं 1 साल का है, कितना है 70,600 रुपया आपको पे करना होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कितना आपका आएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 14, मतलब आपका हो गया तकरीबन, आप समझ जाइए कि आपका 1.5 लाख के नियर अबाउट ये पहुंच जाएगा, ठीक है। 1,41,200 रुपीज़ ये आपका लगने वाला है, 1.5 लाख आप मान के चलिए इसको, ठीक है। तो 70,600 रुपये ये आपका 1 साल का। इसके अलावा जो बात आपको ध्यान रखनी, देखिए जहाँ स्टार लगा है, आप देख रहे हैं 30 के आगे स्टार लगा है, वो जो स्टार है वो बता रहा है कि भाई आपकी पेड सीट है और वो स्व वित्त पोषित होगा, ठीक, सेल्फ फाइनेंस्ड होगा। इसके साथ में देखिए यहाँ लिखा है, वो जहाँ पर स्टार लगा है सीटों की संख्या पर, वह स्व वित्त पोषित हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो संबद्ध विश्वविद्यालय हैं वो आपसे एक्स्ट्रा फीस ले सकते हैं। तो ये नहीं कि अगर आप किसी एफिलेटेड कॉलेज में करा लेते हैं तो आप वहाँ जाकर कहेंगे कि भाई हमने
तो देखा था कि 70,600 रुपये हैं, 300 हैं, तो आप इतना ही करेंगे। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम एमएड एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है में नियामक संस्था के निर्देशानुसार शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है? तो अब वो शुल्क में कितना परिवर्तन करेंगे, अब ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। आप लोग बीएड किए होंगे, आपको पता ही होगा कि कॉलेज वाले किस प्रकार से लेते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सीट इतनी है। तो अगर आपका जब भी आपका जैसे ही कोई और अपडेट आती है एमएड के ऊपर, वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, और इसके साथ ही अगर अभी तक आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आगे भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट महात्मा गांधी से रिलेटेड मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं आप, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उससे हेल्प करूँ आपकी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपडेटेड रहिए, कनेक्टेड रहिए और हेल्दी रहिए। जय हिंद।